जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CBSE बोर्ड में कक्षा 11 व 12 में पहले से ही कला विषयों में 20 अंक के प्रोजेक्ट कार्य होते हैं। वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 11 और कक्षा 12 में अर्थशास्त्र तथा इतिहास विषय में CBSE बोर्ड की तरह ही 20 अंक का प्रोजेक्ट कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, लेकिन इस वर्ष यह केवल कक्षा 11 में ही लागू होगा और अगले वर्ष दोनों कक्षाओं में लागू होगा। तो इस समय काफ़ी कम समय बचा है और कक्षा 11 के अर्थशास्त्र और इतिहास के सभी छात्रों को यह समस्या आ रही है कि किस प्रकार से वो प्रोजेक्ट तैयार करें। यदि हम अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो 20 में से 20 अंक हमें प्राप्त हो सकते हैं और 20 अंक आने से हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है। एक अच्छा प्रोजेक्ट में क्या गुण होने चाहिए या प्रोजेक्ट फाइल कैसी बननी चाहिए, हमारा प्रेजेंटेशन कैसे बहुत अच्छा हो कि हमें पूरे 20 अंक प्राप्त कर सकें, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि आप किस प्रकार एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। प्रोजेक्ट बनाने का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले जो छात्र हैं उनके मन में यह विचार आता है कि आखिर वे प्रोजेक्ट क्यों बनाए, इनसे उनको क्या लाभ है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट बनाने का जो उद्देश्य होता है उसका जो मुख्य कारण है वो है सबसे पहले विषयगत जो कठिनाइयाँ आती हैं उससे छात्रों को परिचित कराना। जैसे अर्थशास्त्र विषय या इतिहास में जो कठिनाइयाँ आएंगी उनको हम प्रोजेक्ट के माध्यम से कैसे हल कर सकते हैं, तो छात्र उस कठिनाई से परिचित हो, उनमें तर्क शक्ति तथा बौद्धिक कौशल विकसित करना ही प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण काम है। इसके साथ साथ वे प्रोजेक्ट के माध्यम से किसी भी समस्या का हल खोज सकते हैं और स्वयं का अपना दृष्टिकोण भी विकसित कर सकते हैं। इससे पाठ्यक्रम में जो अवधारणा दी गई हैं उनको समझने में उनको आसानी होगी। उसके साथ साथ महत्वपूर्ण और रचनात्मक सोच कौशल और क्षमताओं का उनका प्रयोग करना वे सीख पाएंगे, अर्थात शोध कार्य में जो बच्चे इधर उधर से जानकारी हासिल करेंगे और फिर उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकालेंगे उससे उनकी सोच कौशल और क्षमता में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट के माध्यम से हम छात्रों की रुचि के बारे में भी जान पाएंगे कि छात्रों को किस किस क्षेत्र पे ज़्यादा रुचि है और वो उस क्षेत्र में जाकर शोध कार्य कर सकते हैं। प्रोजेक्ट बनाने के सामान्य दिशा निर्देश उत्तराखंड सरकार तथा CBSE बोर्ड के द्वारा जो प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस है उनके अनुसार ही हमें प्रोजेक्ट कार्य करना है, जिसमें छात्र मूल कार्य प्रस्तुत करेंगे, अर्थात छात्रों को नकल नहीं करनी है, उनको अपने विचार अपनी भाषा के अनुसार ही अपना कार्य करना है और उसको लिपिबद्ध करना है। उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट केवल हाथ से लिखी जानी चाहिए, इसमें छात्रों को प्रिंटेड मटेरियल या बाज़ार में अपना जो प्रोजेक्ट कार्य है उसको प्रिंट करके इसमें नहीं लगाना चाहिए, उनको प्रोजेक्ट केवल हाथ से लिखना चाहिए। इसके साथ प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट है जो आप उसको लिखेंगे वो 3500 से 4000 के बीच शब्द होने चाहिए, अर्थात 20 से लेकर 25 पृष्ठ तक होनी चाहिए। इससे ज़्यादा की प्रोजेक्ट रिपोर्ट ठीक नहीं होती है और आपको इसी के बीच लगभग 20 से 25 पृष्ठ के बीच में अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। इसके साथ प्रोजेक्ट को इंटरलीव पेपर पर किया जाना चाहिए, अर्थात वन साइडेड ब्लैंक पेपर हो और एक साइड में उसमें लाइनें हों वो वाला पेपर का इस्तेमाल इसमें हमें करना चाहिए। इसके साथ छात्रों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात प्लास्टिक वाली फाइल या प्लास्टिक कवर इस प्रकार की फाइलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसी फाइल का प्रयोग करना चाहिए जो रिसाइकल्ड हो। तो ये थे हमारे प्रोजेक्ट बनाने के सामान्य दिशा निर्देश।
मार्किंग स्कीम, जिसको हम अंक विभाजन बोलेंगे, तो CBSE बोर्ड ने तथा अन्य राज्यों ने अपनी सुविधा के अनुसार प्रोजेक्ट के जो अंक हैं उनका विभाजन किया है। इसी प्रकार उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने भी प्रोजेक्ट के अंकों का विभाजन किया है, जिसकी जानकारी आप सभी बच्चों को होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, जो आप टॉपिक लेंगे अपना प्रोजेक्ट का, उसका आपको पता होना चाहिए, उसका शीर्षक क्या है, उसे आप अपनी फाइल पे लिख सकते हैं। इसी प्रकार प्रोजेक्ट के आपके उद्देश्य क्या हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, वो आप डिफाइन करेंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट फाइल में आपको हाइपोथेसिस और रिसर्च के बारे में लिखना होगा कि आप किस विषय में शोध कार्य कर रहे हैं। इसके बाद आपके जो कीवर्ड्स हैं उनको भी आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो प्रोजेक्ट के बीच में आती है उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद जो मेथोडोलॉजी है और क्वेश्चनियर है उसको भी आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जैसे आपने शोध कार्य किया तो कौन सा तरीका अपनाया और किस प्रकार के प्रश्नावली या प्रश्न आपने तैयार किए, उनका भी सैंपल आपके प्रोजेक्ट फाइल में होना चाहिए। इसके साथ साथ डेटा कलेक्शन भी आप इसमें रख सकते हैं कि आपने कहाँ से आंकड़े प्राप्त किए और आपके आंकड़े मौलिक हैं या आपने किसी दूसरे स्रोत से आंकड़े लिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके कुल मिला के 5 अंक हैं और ये जो 5 अंक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो एग्जामिनर इन चीज़ों को आपके फाइल में चेक करेगा कि आपने इन चीज़ों का प्रयोग अपनी फाइल में किया है कि नहीं। इसके बाद आता है दूसरा, सिग्निफिकेंस एंड रेवलेंस ऑफ द टॉपिक्स एंड कंटेंट एंड रिसर्च वर्क, अर्थात विषय की जो प्रासंगिकता है उसके बारे में है कि आपने जो शोध कार्य किया, आपने जो प्रोजेक्ट लिया है वो आपके विषय से संबंधित होना चाहिए और उसका जो कंटेंट लेवल है वो भी आपका विषय से संबंधित हो और अच्छा हो। जो आपने रिसर्च कार्य किया है वो आपके टॉपिक को, टॉपिक से मेल खाता हो, जैसे आपने बैंकिंग क्षेत्र के बारे में रिसर्च किया है या आपने विदेशी मुद्रा के बारे में रिसर्च किया या आपने बजट के बारे में रिसर्च किया, तो उसके बारे में आपके पास थोड़े बहुत उससे संबंधित कंटेंट और प्रमाण होने चाहिए। तो ये है आपका 5 नंबर का और ये विषय से संबंधित होना चाहिए। इसके बाद जो है वो है प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, तो जो आपका प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन और वाइवा है यहाँ पर 10 अंक का है, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है उसको आप किस तरह से प्रेजेंट करते हो। इसमें आपकी प्रोजेक्ट फाइल जो आप तैयार करते हो वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, वेल डेकोरेटेड होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप उसको डेकोरेट कर दें, इतनी ज़रूर हो कि कोई भी एग्जामिनर को या आपके शिक्षक को वो अच्छी लगे। उसका प्रेजेंटेशन जो आप देंगे अपनी फाइल के बारे में, बताएंगे कि आपने कहाँ कहाँ से डेटा लिए और कौन कौन से मेथड आपने यूज़ किए अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको ये नहीं कि आप कहीं से कॉपी कर लो डेटा, तो जब आपने फाइल बनाई होगी तो आपको अपना शोध कार्य के बारे में पूरी जानकारी होगी। इसी के साथ जो वाइवा होता है, वाइवा में जो एग्ज़ामिनर होंगे वो आपसे महत्वपूर्ण पर्सन आपकी प्रोजेक्ट फाइल या प्रोजेक्ट से संबंधित पूछेंगे, उससे बाहर वो पर्सन नहीं पूछेंगे। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका डीपली आपने अध्ययन किया होगा और जब भी एग्जामिनर या शिक्षक या जो भी बाहर से एग्जामिनर आएगा, वो कोई भी पर्सन आपसे पूछेगा, वो आपकी फाइल के बाहर नहीं होगा, वो आपसे फाइल से ही संबंधित पर्सन पूछेगा कि आपने प्रोजेक्ट कहाँ से जो डेटा इकट्ठा किया कहाँ से किया, आपने इसमें जो कटिंग्स लगाई हैं विभिन्न स्रोतों से वो कहाँ से ली हैं, और कई प्रकार के पर्सन हो सकते हैं, लेकिन उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने फाइल तैयार करी है, आपने प्रोजेक्ट बनाया है, तो आपने उसके बारे में जानकारी स्वयं इकट्ठा की होगी। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 5 नंबर हमारे इंट्रोडक्शन से थे और 2 नंबर, सेकंड नंबर पे हमारे जो
टॉपिक कंटेंट लेवल रिसर्च वर्क है वो 5 नंबर और प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन और वाइवा 10 नंबर। इस प्रकार हमारे ये पूरे यहाँ तक 20 नंबर के हो गए हैं। तो हर एक जो स्टेट है या CBSE बोर्ड है या उत्तराखंड बोर्ड है, इन सब ने प्रोजेक्ट के मार्क्स 20 निर्धारित किए हैं। अब हम प्रोजेक्ट के लिए कुछ विषय का चयन करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने सबसे पहले कक्षा 11 के छात्रों के लिए प्रोजेक्ट के कुछ टॉपिक यहाँ पे बताए हैं, लेकिन छात्र अपने रुचि के अनुसार भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं अपने विषय के अनुसार, और ऐसे प्रोजेक्ट का वो चयन करें जिसमें उनकी विशेष रुचि है और जिसमें वो विभिन्न स्रोतों से सामग्री इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ प्रोजेक्ट देखते हैं, जैसे पहला जो यहाँ पे दे रखा है रोजगार की स्थिति, ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें बच्चे भारत में जो रोजगार की स्थिति है उस पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ऐसी दूसरा है जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम, जैसे हमारे देश में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उसके कारण और उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं उसमें यहाँ पे अपने विचार वो व्यक्त कर सकते हैं या डाटा इसमें वो विभिन्न स्रोतों से ला सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इस समय आपका बर्निंग टॉपिक है, जिसके कारण आर्थिक विकास के कारण बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं, उसमें भी आप यहाँ पे शानदार प्रोजेक्ट बना सकते हैं और ये टॉपिक आपके कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में भी है। भारत में कृषि पदार्थों के विपणन की जो समस्या है, कि किसानों की जो समस्या है, उसका आप यहाँ पे वर्णन कर सकते हैं, उसके बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं। इसी प्रकार उदारीकरण और आपका निजीकरण और व्यापसीकरण एक समीक्षा, ये आपके पाठ्यक्रम का ही पार्ट है, जिसमें आपने देखा होगा वर्तमान समय में सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, तो आप उसके पक्ष में और विपक्ष में डेटा इकट्ठा करके अपने शोध कार्य उसमें कर सकते हैं। इसके बाद आर्थिक विकास के कारण जो पर्यावरण में जो प्रभाव पड़ रहा हानिकारक, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कोरोना महामारी के कारण जो हमारे देश की आर्थिक विकास 1-1.5 साल पहले प्रभावित हुआ था, उस पर भी आप अपने विचार रख सकते हैं, और उस कोरोना महामारी के कारण जो आर्थिक नुकसान हुआ था, GDP हमारे 0 से भी कम चले गई थी, उन सबके कारणों और प्रभाव के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। इसके साथ सांख्यिकी विधियाँ का प्रयोग करके हम आसपास के परिवारों के आंकड़ों को भी संकलित कर सकते हैं, और इनसे जो डाटा हम प्राप्त करेंगे उनको हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण के माध्यम से, रेखा चित्रों के माध्यम से शानदार प्रेजेंटेशन उसमें अपने फाइल में कर सकते हैं। और जैसे आप बार डायग्राम, पाई डायग्राम के माध्यम से भी अपनी आपने जो रिसर्च किया उसको दिखा सकते हैं। शोध कार्य आप अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से भ्रमण करके या पुस्तकों को से जानकारी लेकर जो आपके विद्यालय में पुस्तकालय होंगे, या ऑनलाइन के माध्यम से भी जानकारी आप ले सकते हैं और कोई भी विषय पर शोध कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार हम कक्षा 12 के हमारे जो कुछ विषय हैं जो आने वाले समय पर इस प्रोजेक्ट कार्य आरम्भ होगा, तो इसमें जैसे सबसे अच्छा जो टॉपिक है वो डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया में आप देख रहे हैं कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन वॉलेट, ऑनलाइन आपकी पढ़ाई, सब कुछ इसी पे आजकल दिखाई दे रहा है, और वर्तमान समय में तो ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग भी इस पर चल रही है। तो डिजिटल इंडिया के क्या फ़ायदे क्या नुकसान, इस पर बहुत शानदार प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। इसके साथ GST तथा कर सुधार, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। GST आपको पता ही है कि कई अनावश्यक करों को समाप्त करके GST का निर्माण किया गया था, और इससे कर संग्रह में क्या सुधार हुआ है उसके बारे में हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके बाद बैंकिंग क्षेत्र में क्या क्या सुधार होने चाहिए, क्या सुधार चल रहे हैं, उस पर भी हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। विनिमय दर, विभिन्न देशों के बीच हमारे देश की मुद्रा की विनिमय दर कैसी है, कैसे विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है, उस पर प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। इसके बाद सरकारी बजट और भुगतान संतुलन पर भी प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, कि सरकार प्रति वर्ष जो बजट बनाती है उसका लेखा जोखा आप इसमें अपने प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, कि पिछले वर्ष सरकार ने जो बजट बनाया था उसकी रूपरेखा क्या थी।
इस प्रकार फिर वो रोजगार की स्थिति जो हमने कक्षा 11 में देखा था, वो रोजगार की स्थिति का टॉपिक भी हम यहाँ ले सकते हैं। ऐसी कोरोना महामारी का भी टॉपिक ले सकते हैं। सरकार की विनिवेश जो नीति है, इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं कि सरकार अपने कुछ उद्योगों को निजीकरण करके विदेशी निवेश बढ़ाना चाह रही है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा, इस पर भी हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फिर विभिन्न देशों की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय की हम तुलनात्मक अध्ययन करके भी ये जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों है कि कुछ देश अमीर हैं, कुछ गरीब हैं और कुछ विकासशील हैं। और शोध कार्य में वही है जो मैंने पहले आपको बताया कि आप अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में भ्रमण करके या लाइब्रेरी से पुस्तकों का अध्ययन करके या ऑनलाइन या अन्य स्रोतों, समाचार पत्र आदि के माध्यम से भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना शानदार प्रोजेक्ट बना के उसका शानदार तरीके से प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के प्रकार, विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे प्रदर्शनी, स्किट, फाइल्स, गीत और नृत्य। जैसे प्रदर्शनी है, प्रदर्शनी आपने अगर कोई अच्छा कार्य किया है, किसी पर रिसर्च किया, तो उसका आप विद्यालय में प्रदर्शनी भी लगा सकते हो। अपने कार्य को चार्ट पेपर आदि के माध्यम से भी आप दिखा सकते हो। स्किट में आप लघु नाटिका के माध्यम से प्रोजेक्ट दिखा सकते हो। कोई इस तरह का टॉपिक ले सकते हो, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या पर्यावरण संरक्षण आदि। इस प्रकार फाइल सबसे आसान तरीका है कि आप फाइल में, आपके पास एक प्रमाण भी रहता है और आप फाइल में आसानी से अपना प्रोजेक्ट कार्य कर सकते हैं। गीत और नृत्य के माध्यम से भी आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। कोई कल्चर एक्टिविटी पर आप गीत और नृत्य का प्रदर्शन भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको उसका एक लेख भी लिखना होगा, एक फाइल भी तैयार करनी होगी कि आपका गीत किस पर है और आप कौन कौन से छात्र उस पर नृत्य करना चाहते हैं। इस प्रकार का सारा एक डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। इसके बाद है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण, जिसमें आज आधुनिक तरीके से जो हमारे छात्र हैं वो कंप्यूटर में पावर पॉइंट या स्लाइड प्रेजेंटेशन की सहायता से भी अपना प्रोजेक्ट को प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको डिजिटल फॉर्मेट के रूप में अपने अध्यापक को दिखा सकते हैं। इसी प्रकार है कल्चर शो या स्टोरी। कल्चर शो के माध्यम से भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं और स्टोरी के मेथड से भी आप शानदार तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हो। ये भी प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत आता है, लेकिन इसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंटेशन मतलब एक फाइल जरूर बनानी पड़ेगी। इसके साथ साथ बहस, पैनल चर्चा, शोध पत्र प्रस्तुतिकरण आदि भी आप कर सकते हैं। बहस भी हम कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, पैनल भी हो सकता है किसी टॉपिक पर, वो भी एक प्रोजेक्ट कार्य का हिस्सा है। और शोध पत्र का मतलब हो गया कि आपने किसी विषय पर अगर शोध किया है, उस पर आपके विचार क्या है, उसको भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं अपने शिक्षक के सामने। तो ये थे प्रोजेक्ट के विभिन्न प्रकार। सैंपल ऑफ द प्रोजेक्ट फाइल, आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं कि छात्रों ने कितने शानदार तरीके से इकोनॉमिक्स विषय पे प्रोजेक्ट बनाए हैं और उनके जो फाइल कवर हैं वो वेल डेकोरेटेड हैं। तो आप भी इसी प्रकार अपनी फाइल को आकर्षक और सुंदर बना सकते हैं। प्रोजेक्ट कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस वीडियो में केवल प्रोजेक्ट के अंतर्गत फाइल का निर्माण कैसे किया जाता है, उसको यहाँ पर हम आज सीखेंगे। प्रोजेक्ट फाइल का जो हमारा प्रथम पेज होगा, उसमें हम प्रोजेक्ट कार्य लिखेंगे, फिर जिस विषय का प्रोजेक्ट है उसके बारे में लिखेंगे, फिर उप विषय लिखेंगे कि आपने उस विषय के अंतर्गत कौन सा विषय चयन किया है, और एक संभव हो तो चित्र भी बीचों बीच लगा सकेंगे। और उसके बाद हम अपना नाम, कक्षा का नाम, रोल नंबर, सत्र जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये कौन से सत्र में आप सबमिट कर रहे हैं प्रोजेक्ट,
और अपने विद्यालय का नाम, और राइट साइड में जिस टीचर को आप ये प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं उस टीचर का नाम भी यहाँ पर लिखेंगे। अगले पेज में आप प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना किसी भी प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसमें आपने जिस विषय का चयन किया है उस विषय के बारे में संक्षिप्त परिचय उसका लिखेंगे। जिस प्रकार एक फिल्म के बारे में हमें सारी जानकारी उसके ट्रेलर देखने से प्राप्त हो जाती है, इसी प्रकार आपके प्रस्तावना के आधार पर ही हमें पूरे प्रोजेक्ट के बारे में पता चल जाएगा कि आपने किस विषय में प्रोजेक्ट बनाया है और किस प्रकार आपने उससे संबंधित जानकारी प्राप्त की है। इसके बाद आभार आएगा, जिसमें इस प्रोजेक्ट या परियोजना कार्य में आपने जिन लोगों से जानकारी प्राप्त करी है उनका यहाँ पर आप आभार व्यक्त करेंगे। जैसे आपने जानकारी अपने शिक्षकों से, अपने परिवार से या अपने सहपाठियों से प्राप्त करिए, तो यहाँ पर आप उनका आभार व्यक्त कर सकते हैं। अब आता है प्रोजेक्ट का टाइटल। तो हमने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लिया है वो है GST, वस्तु एवं सेवा कर, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार। तो इससे संबंधित आप लेफ्ट साइड में कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं जो आपसे, जो आपका टाइटल से मेल खाता हो। इसके बाद हम प्रोजेक्ट की विषय सूची यहाँ पे बनाएंगे। वैसे यह जो विषय सूची है ये सबसे लास्ट में बनाया जाता है जब हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो प्रोजेक्ट में आपने जितने पेजेस लगाए हैं उनको यहाँ पे बाद में पृष्ठ संख्या के आगे लिखा जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि परिचय, कर क्या है, कर के प्रकार, GST क्या है, इस प्रकार निष्कर्ष, इस प्रकार आप सारे टॉपिक यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद प्रश्न संख्या उसके सामने आप लिख देंगे। लेकिन ये जो विषय सूची बनेगी जिसको इंडेक्स बोलते हैं ये लास्ट में बनेगी। अब आपने जो प्रोजेक्ट का टाइटल लिया है उसके बारे में हम यहाँ थोड़ा डिटेल में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि कर क्या है, तो यहाँ पे कर से संबंधित कुछ परिभाषा हम यहाँ पे दे देंगे और उसके लेफ्ट साइड में कर क्या है उससे संबंधित कुछ इमेज या फोटो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि GST क्यों, GST आखिर हमने क्यों अपनाया नई कर प्रणाली को, तो इसका जो नारा था एक देश और एक कर, इसका मतलब है कि जो अनावश्यक हमारे अप्रत्यक्ष कर थे उन्हें हटाकर हम एक कर करना चाहते थे देश में, ताकि एक रूपता बनी रहे। करों के प्रकार यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया है, यहाँ पे कि करों का विवरण हमने यहाँ पे बताया कि कितने प्रकार के कर होते हैं यहाँ पर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, और फिर उनकी पूरी डिटेल हमने यहाँ पे बताई है कि कर कितने प्रकार के होते हैं। अब हम यहाँ पर GST क्या है उसकी परिभाषा देंगे कि GST किस प्रकार का कर है और इससे हमें क्या लाभ हुआ है, इसके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे और उससे संबंधित एक चित्र भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। GST को वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है और इसको 1 जुलाई 2017 को संसद के द्वारा देश में लागू किया गया था। तो यहाँ पर उससे संबंधित हम यहाँ पे चित्र भी लगा सकते हैं कि संसद में नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले इस बिल को पेश किया था और उस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने बहस करी थी और उसके बाद इसको लागू किया गया था। GST के प्रकार, तो चार प्रकार की GST होती है, स्टेट GST, सेंट्रल GST, इंटीग्रेटेड GST और यूनियन टेरिटरी GST। यहाँ पर हमने GST की टैक्स सीमा के बारे में वर्णन किया है कि भारत में 5 प्रकार की GST की दर लगाई जाती है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। भारत में GST की टैक्स सीमा क्या है,
तो जैसे हमने आपको बताया था, तो यहाँ पर 0% के बारे में मैंने बताया कि जो हमारे अनिवार्य वस्तुएं होती हैं उन पे जीएसटी नहीं लगाई जाती, बल्कि जीएसटी 5% जिन वस्तुओं पे लगाई जाती, आप उससे संबंधित जानकारी यहाँ पे लिख सकते हो और उसके लेफ्ट साइड में उनकी इमेज फ़ोटो भी लगा सकते हो। ऐसी 12%, 18 और 28% के बारे में भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे चित्र में यहाँ पे मैंने लगा रखा है कि 28% हमारी कारों पे टैक्स पड़ता है, या प्रोजेक्टर, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ आइटम होते हैं बहुत महंगे, उन पे लगता है। उसके बाद इस पेज में हमने जीएसटी की विशेषताओं का वर्णन किया है कि जीएसटी आखिर क्यों महत्वपूर्ण है, उसके बारे में विस्तृत यहाँ पे जानकारी हम दे सकते हैं। इस पेज में हमने जीएसटी के लाभ का वर्णन किया है कि जीएसटी के कारण हमें क्या क्या लाभ हुआ है। जैसे देश में व्यापार करना आसान हो गया, कर चोरी संभव नहीं है, अब राजस्व में वृद्धि हो रही है, जीडीपी में भी वृद्धि हो रही है। इस प्रकार का जो भी लाभ हो टॉपिक का, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और साथ में इसके बारे में आपने कहाँ से जानकारी प्राप्त करी, इसका लिंक या वेबसाइट की जानकारी भी आप पेज पर नीचे के रूप में उसको लिख सकते हो। इस पेज में हमने पुरानी कर प्रणाली और जीएसटी का तुलनात्मक अध्ययन किया है, और एक उदाहरण से हमने यह बताने का यहाँ पे प्रयास किया कि कौन सी कर प्रणाली बेहतर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उदाहरण से कि जीएसटी पुरानी कर प्रणाली से बेहतर है, क्योंकि इसमें पहले जो अनावश्यक कर होते थे उसकी तुलना में पहले से कम कर इसमें लगाए जाते हैं, तो इसमें उपभोक्ताओं को करों से थोड़ी राहत मिलती है। निष्कर्ष, निष्कर्ष हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या सीखा उसके बारे में आपको अंत में यहाँ पे लिखना होता है। जैसे हमने टॉपिक लिया था जीएसटी, तो जीएसटी से जो पुरानी कर प्रणाली थी उसके जो दुष्परिणाम थे वो कैसे हमने जीएसटी के माध्यम से दूर करे, जीएसटी से हमें क्या लाभ है, क्या नुकसान है, उपभोक्ताओं को इससे कोई फायदा मिल रहा है कि नहीं, और सरकार के राजस्व में वृद्धि हो रही है कि नहीं, और साथ में जीएसटी आने से व्यापार हमारा सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं, इस सारे के बारे में हम यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। और निष्कर्ष में आप अपने विचार लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट आप लिखें वो संक्षिप्त में हो और सटीक हो। इसके बाद प्रोजेक्ट के अंत में आता है संदर्भ ग्रंथ सूची। इसमें आपने प्रोजेक्ट बनाते समय कहाँ कहाँ से जानकारी ली उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखना होता है। जैसे पाठ्य पुस्तक आपने एनसीईआरटी की किताबों से जानकारी ली, या किसी अन्य पुस्तकों से ली, पत्र पत्रिकाओं से, उसके बारे में आप लिख सकते हो। ऑनलाइन संसाधन, जैसे आपने इंटरनेट के माध्यम से जानकारी ली, कौन कौन सी वेबसाइट से जानकारी ली उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, वेबसाइट के नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। समाचार पत्र और पत्रिकाओं से आपने जानकारी ली, यहाँ पे आप समाचार पत्रों की कटिंग्स भी लगा सकते हो और पत्रिकाओं की कटिंग भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। इसके साथ विद्यालय में स्थापित पुस्तकालयों से भी आपने मदद ली, कुछ अलग एडिशनल किताबें आपने पढ़ी उसकी जानकारी भी आप यहाँ दे सकते हो, उस पुस्तक का नाम और उस लेखक का नाम भी आप यहाँ पे दे सकते हो। इसके बाद भाषण, प्रस्तुतियाँ और सम्मेलन, अगर आपने कहीं अटेंड किया है इन चीज़ों को और वहाँ से कुछ आपको सीखने को मिला, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे जानकारी दे सकते हो कि आप उस सेमिनार में गए थे, वहाँ से आपने ये जानकारी प्राप्त करी, और अन्य स्रोतों से भी आप यहाँ पर उसका उल्लेख कर सकते हो कि आपने किसी शिक्षक के से जानकारी प्राप्त करी या किसी एक्सपर्ट से जानकारी प्राप्त करी, उसके बारे में भी आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हो। अंत में मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको प्रोजेक्ट तथा प्रोजेक्ट फाइल का निर्माण कैसे किया जाता है उसके बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी दी। आप अपनी कल्पना शक्ति तथा बेहतर सोच से बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हो। आपको प्रोजेक्ट फाइल बनाने में बहुत ज़्यादा
उसको डेकोरेटेड या सजाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो विषय वस्तु है, कंटेंट लेवल है, उसको इनोवेटिव तरीके से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा। धन्यवाद।